नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम नेटवर्क पे फाइल या फोल्डर को किस तरह शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार नेटवर्क पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम हमारी फाइल या फोल्डर को किसी दूसरे यूजर के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको फाइल या फोल्डर को शेयर करना होता है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से फाइल या फोल्डर को विंडोज 7 में शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक फोल्डर है डाउनलोड्स में डेटा के नाम से। यहाँ हमारे पास में दो फाइल्स हैं। हम चाहते हैं कि डेटा नाम का जो फोल्डर है वो हमारे नेटवर्क के जो भी यूजर्स हैं वो एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हमें इस फोल्डर को शेयर करना होगा। फ्रेंड्स, फाइल या फोल्डर को शेयर करने से पहले आपको कुछ पीसी में सेटिंग करनी होगी। नेटवर्क पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और यहां हम लेंगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। यहां पे हमको टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, इस पे क्लिक करना है। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, और यहां पे हमको करना है टर्न ऑन शेयरिंग पे। तीनों रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पीसी पे हमने ऑलरेडी ऑन की हुई है, आपको इनको ऑन करके और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद में जो भी फोल्डर आप शेयर करना चाहें उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, यहां पे आपको मिलेगा शेयरिंग ऑप्शन, यहां हम आएंगे एडवांस शेयरिंग, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे शेयर दिस फोल्डर, और परमिशन देंगे यूजर को आप क्या परमिशन देना चाहते हैं। यहां पे केवल रीड की परमिशन है। अगर आप फुल कंट्रोल देना चाहें, मतलब यूजर आपके रीड भी कर सके उस फोल्डर से और राइट भी कर सके, तो हम फुल कंट्रोल दे देंगे और अप्लाई करेंगे ओके, और ओके करेंगे और क्लोज। अब ये हमारा फोल्डर शेयर हो चुका है। यहां पे हम पीसी नेम नोट कर लेंगे, पीसी हमारा किस नाम से है ये हम देख लेंगे। इसको देखने के लिए आप स्टार्ट बटन पे आएंगे और आपको यहां शो करता है कि किस नाम से आपका पीसी नेटवर्क पे है, जैसे हमारा सर्वर यूट्यूब है। अब हम दूसरी पीसी पे चेक करते हैं कि ये फोल्डर जो हमने शेयर किया है ये वहां पे एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम हमारे नेटवर्क पे दूसरे पीसी पे। इस पीसी का नाम है जेसिंग। जो फोल्डर हमने शेयर किया था उसको हमको यहाँ पे ओपन करना है या एक्सेस करना है। यहाँ पे भी हमको शेयरिंग की परमिशन सेट करनी पड़ेगी। शेयरिंग की परमिशन के लिए वापस हम आते हैं, नेटवर्क पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे। यहाँ पे हम शेयरिंग की परमिशन देंगे। शेयरिंग की परमिशन में हम तीनों रेडियो बटन, टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग और टर्न ऑफ शेयरिंग, रेडियो बटन पे हम क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। परमिशन हमने सेट कर दिए दोनों पीसी पे। अब हम फोल्डर को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे हम सर्वर यूट्यूब, और यहाँ पे हमने डेटा के नाम से फोल्डर शेयर किया था। इसमें दो फाइल थी, और जो भी फाइल इसमें से आप ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे जो चेंजेस करना चाहें चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम नेटवर्क पे अपनी फाइल या फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।